तो ये फिश फ्राई करके रखी हूँ दोस्तों। बहुत ज्यादा खराब लग रहा है निकलने में, बट निकलना पड़ रहा है। देख भाई बेटू काचा वाला फेवरेट रूम है, वही फेवरेट रूम मेरे को 4th टाइम मिला। हम लोग बस अभी खा के आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी खूब खूब अच्छी हूँ। तो दोस्तों हो गया सुबह का घास और घड़ी में बज गया है अभी 7। तो 7 बजे से मैं अपना ब्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हम लोग बिस्तर के अंदर ही है, निकले नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों हम लोग बहुत पहले उठ चुके हैं, लेकिन बेटा थोड़ा शैतानी कर रहा था इसलिए उसको रूम के अंदर ही रखे थे, क्योंकि बाहर में कोहरा है यहाँ और थोड़ा ठंडा भी है। वो टोपी वगैरह नहीं लगाना चाहता, इसलिए हम लोग अंदर में है और अभी थोड़ा सा बैठे हुए हैं हम लोग सब मिलके। मेरे हस्बैंड बैठे हुए वहां मुंह मोड़ के, ये देखो गुड मॉर्निंग बोलेगा जोर मॉर्निंग। ये रहे मेरा बेटा। तो दोस्तों हो गया हम लोगों का सुबह। तो सुबह आज हम लोग का यहाँ का लास्ट है, क्योंकि उसके बाद हम लोग का सुबह कहाँ होगा वो हम लोग मेरे को नहीं पता। अभी आप लोग मेरे वीडियो में रहोगे तो आप लोग को जरूर पता चलेगा कि मेरा कल का सुबह कहाँ होगा। तो फिलहाल ये मेरा यहाँ का लास्ट सुबह है, मैं ये बस बता देती हूँ। और हमने अभी तक पैकिंग नहीं किया है, जब मैं पैकिंग करूंगी तो थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। और फिलहाल अभी मैं बिस्तर को ठीक करूंगी, इस रूम को झाड़ू लगा के नीचे मतलब बाहर लेके जाऊंगी और बेटे को ब्रश कराऊंगी, खुद ब्रश करूंगी, चाय वाय बनाएंगे। उसके बाद हम लोग जो होता है रेगुलर काम वो करेंगे। तो आप लोगों के साथ सब शेयर करते रहूंगी, तब तक के लिए बाय। मैं बैठ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। हमारा चाय खाना हो गया है, चाय पीना सॉरी, उसके बाद बिस्कुट खाना हो गया है। और अभी जैसे केला का फ्लावर जो होता है वो चढ़ा दी हूँ, एक तरफ पपीता बनेगा। अभी मसाला कर लेती हूँ। और मम्मी मछली को छुड़ाने के लिए गई है, तो मछली का झोल बनेगा, पपीता का सब्जी बनेगा और बनेगा केला का फूल का सब्जी। तो इतना ही रहेगा आज हमारे लंच मेनू में। और लंच मेनू हम लोग का कहीं और है, आज जो हमारा इन्विटेशन है कहीं और है दोस्तों। तो मैं आप लोग को जरूर लेके जाऊंगी उस जगह पे, कि यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है, यहाँ पे जो अनुष्ठान होता है वो कैसे होता है वो आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। लेकिन अभी नहीं, वो दोपहर को है और हमारा दोपहर को ट्रेन भी है। तो हम लोग आज चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये अभी हम लोग को नहीं पता है और आप लोग को भी मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग को मैं जहाँ ले जाऊंगी वहाँ जरूर आप लोग को दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी हमारा ट्रेन है, तो ट्रेन की तैयारी के लिए जल्दी जल्दी खाना बना लेना पड़ेगा ट्रेन में जाने के लिए, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मैं सब्जी वगैरह काट के सब्जी को चढ़ा दूंगी। बेटे को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है, बेटे ने ब्रेड और चाय पिया, रोटी और काढ़ा पिया। तो बेटे का बहुत ज्यादा कफ बैठ गया है छाती में, वो निकल नहीं रहा है। तो डॉक्टर ने अभी सजेस्ट किया है कि दूध बिल्कुल मत देना, तो मैं दूध नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी। तो उसको तो काढ़ा पिला ही दिया। और अभी मुझे भी जुकाम लगी है, तो मैंने भी रोटी पिया है। काढ़ा पीने का मन नहीं करता है बिल्कुल, बच्चा है तो उसको बहला फुसला के पिला सकते हैं, लेकिन बड़े लोग जब उसका टेस्ट जानते हैं तो नहीं पीते। आप लोगों को आपको पता ही है। और मेरे हस्बैंड जो है अभी वो घर पोछा लगा रहे हैं। देखिए जब मामा के तो दोस्तों ये वाला जो रूम है पोछा लग चुका है। अभी मेरे पता नहीं हस्बैंड कहाँ पर है। ओ मेरा वाला रूम भी पोछा लग चुका है और अभी ये टीवी वाले रूम में, तो उनका ही ड्यूटी है आज पोछा लगाने का। तो मेरा हस्बैंड पोछा लगा रहे हैं, तो उनका वो काम है अभी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर मम्मी पोछा लगाई या मैं पोछा लगाई तो हमारा खाना जो है एक्चुअली हमारा जो ये लंच का है प्रोग्राम, वो लंच नहीं बंच है, मतलब ब्रंच है, मतलब हम लोग का मिक्स है, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मिक्स रहेगा। क्योंकि हम लोग को फिर से वहां पे भी खाना है जहाँ पे अनुष्ठान हो रहा है, ब्रांच। अच्छा मेरे हस्बैंड बोलते हैं उसको ब्रांच बोलते हैं, जब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मिल जाता है उसको ब्रांच कहते हैं। तो मैं भी ब्रांच ही बोली आप लोगों को। और हमारा वहाँ जो अनुष्ठान है दोस्तों वो है एक मुँह जुठी राइस सेरेमनी है एक बेबी का, तो बेबी बॉय का। तो राइस सेरेमनी में हम लोग को इन्विटेशन मिला है, तो उस वहां पे तो खिलाया जाएगा ही। जो खिलाया जाएगा वो आप लोग के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर दूंगी। फिलहाल मैं वहाँ की बहू हूँ तो ज्यादा शर्म आएगा मुझे वीडियो करने में। तो दोस्तों मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, तब तक बाय। हेलो दोस्तों, फिर से आ गए आप लोगों के बीच में। और जैसे कि मेरा खाना बन चुका है, ये पपीता का सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। अभी इसे बस मिक्स कर दूंगी। और इधर बना रही हूँ पीस का ग्रेवी बना रही हूँ। और ये है मेरी ननद, इसकी बेटी, सो क्यूट, अंगली भर रही है, भूख लगा है। इनकी बेटी है। तो ये फिश फ्राई करके रखती हूँ दोस्तों, ये ग्रेवी बनेगा और डाल दूंगी, क्योंकि झटपट नहाना भी है। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है मेरा, अभी 9:15 या 9:05 हो रहा है, पता नहीं कितना बज रहा है, 9:05 हो रहा है। तो 9:05 तक तो मेरा खाना बन के तैयार है। 10 बजे तक बस सबको खा लेना है। तो देखा जाए क्या होता है, अभी तक नहाना भी है। और यहाँ पे बन के तैयार है दोस्तों मेरा केले के फ्लावर का सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी होता है। और इससे खाना ये बन गया है। वहाँ पे चावल निकाल के रखी, चावल चढ़ाऊंगी अभी। तो ये सब हो जाएगा, उसके बाद आप लोग के बीच फिर से आती है दोस्तों। तो हम लोग फिलहाल निकलने के लिए रेडी हो गए हैं दोस्तों, और हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। बहुत खराब लग रहा है निकलने में, तो बहुत ज्यादा खराब लग रहा है निकलने में, बट निकलना पड़ रहा है। और बेटे का एग्जाम नहीं रहता तो मैं नहीं जाती शायद। तो कहाँ जा रही हूँ ये आप लोग को मेरे पता चलेगा। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे लगेज और मैं पर्स भरूंगी और हम लोग निकल पड़ेंगे। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है और हम लोग अब निकल पड़ रहे हैं। देख सकते हो इतना सारा लगेज है और आँख से आंसू रुक ही नहीं रहा है, बहुत रोने का मन कर रहा है। रोया भी मैंने बहुत, बट जाना तो पड़ेगा। ये है मेरी चाची सास, जो कि ये भी रो रही है। तो हर किसी की आँखों में इस क्षण में आंसू है, क्योंकि बहुत दिन हम लोग रह गए। और मेरा बेटा जो है बहुत घुल मिल गया था सबके साथ, इसकी वजह से सबको उसको मिस करेंगे सोच के रो रहे हैं। और बच्चे भी देख सकते हो आ गए हैं। तो गांव के बच्चों के नीचे में कपड़ा रहता है, ऊपर कपड़ा रहता नहीं है, ये नॉर्मली आप लोगों को सबको पता है। और यहाँ पे हम लोग का शीतला मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, वो केले बनाना फ्लावर के पास। अभी नया मंदिर बन रहा है, लेकिन पुराने मंदिर में ही अभी देवता है। ये देख सकते हो मेरे दाएं साइड एक मूर्ति बन रहा है, मतलब मंदिर बन रहा है। तो यहाँ पे प्रणाम करके आने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं राइस सेरेमनी वाले घर में। तो यहाँ पे आज गौरांगों का पूजा होगा, उन्हीं का भोग खिलाया जाएगा सबको। तो मेरे ससुर जी अभी बाबू को गोदी लेके अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो इधर उधर भाग जाएगा तो हमारा ट्रेन मिस हो सकता है, इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ पकड़ के रखे हैं। और मेरे हस्बैंड आगे आगे चल रहे हैं और उसके पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। तो अंदर चलते हैं और यहाँ का सजावट और क्या क्या किया है तैयारी वो देखते हैं। अच्छे से, काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। अंदर में गौरांगो ठाकुर का, मतलब हरे कृष्ण का कीर्तन हो रहा है, कीर्तन के संग सब बैठे हुए हैं। ये हमारे गौरांगो ठाकुर। तो यहाँ पे प्रणाम कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद जो बेबी का राइस सेरेमनी है उससे भी हम लोग मिलेंगे। तो चलो मैं भी, मेरा भी टर्न आ गया है। मेरे हस्बैंड प्रणाम कर चुके हैं, अब मैं करूँगी। तो ये जो भगवान है दोस्तों इसलिए लाया जाता है, जब कोई मन्नत करता है कि हमारा बेबी अच्छे से होगा तो हम गौरांगो ठाकुर घर पे लाएंगे, कीर्तन करवाएंगे, भोग खिलाएंगे, तो ये लाते हैं। और हर किसी के साथ ऐसा नहीं है कि हर किसी को गौरांगो ठाकुर लाना है, कोई कोई नहीं भी लाता। जैसे मेरे बेटे के टाइम में मैंने गौरांगो ठाकुर नहीं लाया था, तो पूजा किया था लेकिन लाया नहीं था। तो ये रहा वो वाला बेबी जिसका आज राइस सेरेमनी है। तो कितना क्यूटी है ना, छोटा बच्चा, हर कोई बहुत ही प्यारा लगता है। देख सकते हो कितना अच्छा हंस रहा है, खेल रहा है। बट मेरा अपने बेटे की बात कर रही हूँ, उसके राइस सेरेमनी के टाइम वो बहुत रोया था, क्योंकि गर्मी का दिन था और सबको उसको गोदी ले रहे थे, सबको उसको हम भी ले रहे थे। तभी हम लोग का हो चुका है टाइम जाने का दोस्तों। और यहाँ पे चंदन जो है 3 साइड लगाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। और अभी हम लोग गाड़ी के में बैठे हुए चल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ। हमारा मंजिल है ट्रेन पकड़ना। और ये है स्टेशन वाला रोड, जो कि काफ़ी नैरो है। दोनों साइड जो है दुकानें लगी हुई हैं, चाय का, पान का, बीड़ी का, ये सब का स्टॉल लगा, मतलब छोटा छोटा वो मतलब क्या बताऊँ, झोपड़ी टाइप का बना के लोग रखे हैं इधर से स्टेशन। और पता नहीं हम लोग को ट्रेन मिलेगी कि नहीं, हे भगवान ट्रेन मिल जाए बस। हम दोनों बड़े आग्रह के साथ देख रहे हैं स्टेशन की तरफ, और शॉर्ट वाला रास्ता से ही हम लोग जाएंगे सोच रहे हैं। तो भगवान की कृपा से बस हम लोग को ट्रेन मिल जाए, बाद बाकी जो होगा होगा, देखा जाएगा टिकट मिले या ना मिले। तो फाइनली हम लोग को ट्रेन मिल चुकी है दोस्तों, और सीट भी मिल चुकी है और हम लोग अभी बैठ गए हैं। बट ट्रेन का बात अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो आप लोग भी आश्चर्य होंगे कि हम लोग बैठे थे किसी और का बॉगी में, और हमारा मेरा जो ट्रॉली था वो किसी और बॉगी में था, और जबकि सब पेपर वगैरह उसी डॉक्यूमेंट वगैरह उसी ट्रॉली में था। तो किसी तरह तो हम लोग चढ़ गए दूसरे वाले में, और ट्रॉली किसी ने रखा था। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टॉपेज में उतर के फिर ट्रॉली वाले कंपार्टमेंट में गए, बॉगी में गए, तब हमें शांति मिला, सांस मतलब चैन का सांस लिए। और दोस्तों मेरे हस्बैंड ट्रॉली चढ़ा दिए, फिर हम लोग को चढ़ने के लिए बोले, बस ट्रेन खुल गई। मैं ड्राइवर को रोकते रहेंगे कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुका नहीं। फिर थोड़ी देर, फिर जब हम लोग उतर गए और गाड़ी चलने पड़ी तो लोग हमारे जो लगेज हैं उनको फेंक दिया बाहर। फिर क्या हुआ, फिर ड्राइवर ने थोड़ी देर बाद रोक लिया गाड़ी को। तो फिर किसी तरह हम लोग कंपार्टमेंट दूसरे वाले बोगी में चढ़ गए, और हमारा लगेज किसी ने फिर चढ़ा दिया दूसरे वाले बोगी में। फिर हम लोग झटपट उतर के दूसरे वाले स्टॉपेज में अपने ट्रॉली के पास आए, तो शांति हुई। तो दोस्तों हम लोग पासपुरा पहुँच गए हैं लोकल ट्रेन से, अभी हम लोग पहुँचेंगे हावड़ा। तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं लोकल ट्रेन का जो पासपुरा हावड़ा लोकल है। और बेटे को टॉयलेट कर गए हैं, उसके पापा टॉयलेट करवाने के लिए गए हैं। तो बहुत सारे पैसेंजर्स हैं बैठे हुए, एक ट्रेन निकल गई क्योंकि हम लोग जल्दी नहीं चल पा रहे थे बेटे को लेके, एक ट्रेन निकल गई है। अब थोड़े ही देर में जैसे कि 3 बजे सॉरी 2:40 में, या हाँ 2:40 में एक ट्रेन है, उस पर चढ़ेंगे। तो दोस्तों देखती हूँ इसका सफ़र कैसा रहेगा। वहाँ उसका सफ़र के बारे में तो मैं थोड़ी देर बाद आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी ज़रूर, क्या क्या हुआ था। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, और यहाँ पे तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी हम लोग को मिल गया है ट्रेन हावड़ा के लिए, और हम लोग बैठ गए हैं, सीट भी मिल चुकी है, सीट पूरा वैकेंट है इस टाइम। ये टाइम ऑफिस का नहीं है, स्कूल का नहीं है, इसीलिए पूरा वैकेंट है सीट। तो 4 बजे के बाद से फिर स्टार्ट हो जाती है भीड़, जब मैं उतरूँगी उस समय भीड़ हो जाएगी। और अभी बज रहे हैं घड़ी में 2:40, तो हम लोग 4:25 तक पहुँच जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है खिड़की के पास बैठने में। आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं पता, लेकिन मुझे खिड़की के पास बैठने में बहुत मज़ा आता है। और अभी कौन सा स्टेशन आ गया? यहीं पे मिलता ज़्यादा। कौन सा स्टेशन है? कौन सा ये? नारायणपुर कुछ है, नारायण पाकुड़िया स्टेशन है कुछ, नारायण पाकुड़िया मुराइल। तो यहाँ पर जो लोटस फ्लावर्स है ज़्यादा यहाँ पर उगाया जाता है, मतलब खेतों में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हॉकर्स भी आते हैं। तो दोस्तों अब मिलती हूँ वहाँ पर पहुँचने के बाद, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों मैंने बोला था कि नारायण पाकुड़िया जो है मुराइल, वहाँ पे लोटस के लिए ज़्यादा विख्यात है। तो देख सकते हो ये लोटस का प्लांट्स है, पानी के एक्वाटिक प्लांट। तो यहाँ पर लोटस आप अनुमान लगा ही सकते हो कि कितना ज़्यादा होता है, लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं होता है। ये फ्लावर्स है दोस्तों, इसमें फ्लावर नहीं आया है, लगता है कुछ दिनों के बाद आएगा। लेकिन लोटस मतलब यहाँ पे 12 मंथ्स अवेलेबल रहते हैं। तो आप पौधों को देख के अनुमान लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा है लोटस का। ये तालाब इसलिए खाली है क्योंकि इन लोगों ने तोड़ लिया है, लोगों ने बेचने के लिए। हर जगह आपको लोटस का ही प्लांट मिलेगा, और पूरा फिशिंग प्रोजेक्ट्स है पानी का, बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो इसीलिए शायद वेस्ट बंगाल फेमस है मछली के लिए, फ्लावर्स के लिए, सब्जी के लिए। हर जगह पानी तालाब प्लांट्स सब मिलेगा। मिलती हूँ बाद में। तो दोस्तों लोकल ट्रेन में हॉकर्स और जो भगवान वगैरह लेके चढ़ते हैं वो तो चढ़ेंगे ही। आज हम लोगों को गौरांग ठाकुर का बहुत ज़्यादा दर्शन मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एक औरत, एक जो कीर्तन के लोग हैं वो लोग कीर्तन करते हुए गौरांग ठाकुर को गोदी में उठाते हुए पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। और एक मज़ेदार बात दोस्तों, ये वाला जो रूट है इसमें इतना ज़्यादा हॉकर है कि आपको भूखे पेट मरना नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा रात 10 से 11 बजे तक। देख सकते हो एक जगह में कितने कम लोगों के बीच में 4-5 हॉकर है, तो कौन क्या खाए और क्या ले, ये काफ़ी मज़ेदार बात रहा है। इस हेलो फ्रेंड्स, आ गई मैं आप लोगों के बीच में। तो जैसे कि मेरे बैकग्राउंड सब लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं आई हूँ किसी होटल में या फिर किसी रेस्ट हाउस में। तो ये है एक रेस्ट हाउस जो कि हम लोग के हस्बैंड को प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू। तो अभी हम लोग हैं सैनिकाराम गृह में, जो कि हावड़ा स्टेशन में ही है, हावड़ा स्टेशन के पास ही है। तो सैनिकाराम गृह में पर फैमिली को जो दूर से ट्रेवल करके आते हैं, जिनको घर जाना होता है, उनको यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है। तो हम लोग भी यहाँ पर ठहरते हैं हमेशा। और अच्छा बात ये रहा इस आज के जर्नी में कि यहाँ पे आने के बाद मुझे सैनिकाराम गृह में जो मेरा फेवरेट रूम है वही फेवरेट रूम मेरे को 4th टाइम अलॉट हो रहा है। मतलब 13 नंबर वाला रूम मेरा लकी भी है और मेरा फेवरेट भी है। तो मैं 13 वाला रूम मुझे फिर से मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये रूम बहुत अच्छा मेंटेन है शुरू से ही, अभी भी वैसे ही है। देख सकते हैं बेड दिया गया है, 2 पिलो दिया गया है, बेड कवर है, टीवी वगैरह सब कुछ है, वार्डरोब है, चेयर है, एक टी टेबल है। और सामने का स्पेस भी दिखाती हूँ। और सामने यहाँ पे अगर कुछ लोगों को बात के कम्युनिटी हॉल टाइप का है, यहाँ पे आप बैठ के बातें कर सकते हो। सब रूम है वो लाइन वाइज, वहाँ पे आरओ का पानी है। और मेरा बेटा भी टॉयलेट से रूम से वापस आ रहा है। पैन भेजी दी है। अच्छा, यहाँ पे टीवी वगैरह लगा हुआ है। पहले यहाँ पे झूला वगैरह हुआ करता था बट अभी नहीं है, सबको हटा दिया गया है। यहाँ पे एसी का भी व्यवस्था है दोस्तों। तो चलो मैं बेटे को अभी अच्छे से पोंछ देती हूँ। नहीं, पैंट मत खोलना, पैंट मत खोलना, पैंट मत खोलना, नहीं पैंट सूख जाएगा। तो दोस्तों अभी हो गया मेरे बेटे का डिनर का टाइम। मेरे बेटे को पसंद आ गया अभी स्ट्रॉबेरी का शरबत। तो स्ट्रॉबेरी का शरबत वो पिएगा, सेक जो बोलो, तो उसको वही पसंद आया। बट वो बोल रहा है कितना खट्टा है मम्मी। तो लेते वक्त वो सोचा नहीं था बट ले लिया। और अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ पर कॉफ़ी। तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर। कॉफ़ी शॉप से लेके बार्बर शॉप से लेके लॉन्ड्री शॉप से लेके उसके बाद वो फास्ट फूड शॉप से लेके सब। तो दोस्तों मेरे बेटे को लगी है भूख, वो खाया अभी स्ट्रॉबेरी शेक और उसके बाद अभी खाएगा वो पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं, ये रहे मेरा बेटा, ये रहा पिज़्ज़ा। तो वो बात करने की कंडीशन में नहीं है, मैं उसे भी खिला देती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये है पिज़्ज़ा का फाइनल वाला लुक, जो हम लोग खोल के भी बेटे को खिलाएंगे। पर वो खाएगा कि नहीं पता नहीं, वो नानुकुर कर रहा है, थक चुका है। और मैं इसे सुला भी दूंगी बहुत जल्दी। हम लोग बस अभी खा के आएंगे, उसके बाद ये सो जाएगा, हम भी सो जाएंगे। तो दोस्तों मिलती हूँ एकदम डिनर के टेबल में, तब तक के लिए बाय। और मेरे हस्बैंड हम लोग को रूम का दीदार करवा रहे हैं, क्योंकि ये रूम हमारा बहुत बहुत लकी है। जब हम 2015 में शादी करके आए थे मार्च महीने में, मुझे अभी भी याद है। खाना अभी ना प्याज को यही तो प्याज। तो हम लोग जब 15 को आए थे यहाँ पर शादी करने के बाद, पहला होली था हमारा। तो हम लोग को हॉस्पिटल में कुछ काम भी था, तो हम लोग यहाँ पे 3 दिन रहे थे और इसी रूम में रहे थे। तो ये हमारा बहुत मेमोरेबल टाइम था स्पेंड करने का, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद मिले थे। दिसंबर में शादी हुई थी और मार्च में मिले थे। तो बहुत मेमोरेबल रूम है ये मेरा, और मेरा लकी रूम है। और मुझे ये 4th टाइम है कि मिल रहा है, तो आई एम सो लकी एंड आई एम सो हैप्पी। तो दोस्तों मिलती हूँ डिनर के टेबल पे डाइनिंग में, तब तक के लिए बाय। लेना खाना। हम लोग भी अभी आ गए हैं अपना डिनर कंप्लीट करने के लिए और अभी बज रहा है घड़ी में 7:20। तो हम लोग सोचे जल्दी खा लेंगे तो थोड़ा सा रेस्ट कर पाएंगे क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठे थे और रेस्ट थोड़ा सा भी नहीं लिए थे और काफ़ी ज़्यादा जर्नी हो गया हमारा आज। तो चलो हस्बैंड क्या क्या ऑर्डर किया वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो डाइनिंग है सबके लिए ओपन है और सेल्फ सर्विस है, टीवी एसी सब कुछ लगा हुआ है, आप चाहो तो किसी भी टेबल में बैठ सकते हो। और ये रहा मेरा खाना। तो दोस्तों हम लोग अभी डिनर कर लेंगे और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी बहुत जल्द नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे वाला में है, हम दोनों में है नॉनवेज वाला प्लेट, मेरे में है चिकन और देख सकते चिकन, छोले का सब्जी, दाल, अंडा करी, चपाती, राइस, पापड़, सलाद, अचार। तो ये मेरा मील है। और मेरे हस्बैंड का क्या है पता नहीं, देखती हूँ आने के बाद। तो मेरे हस्बैंड का है फ़िश, तो उनका जो प्लेट है वो फ़िश वाला है। तो बस इतना ही फ़र्क है हम दोनों में कि मेरे में चिकन है, उनमें फ़िश है। तो दोस्तों हम लोग अभी डिनर कर लेंगे तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और जो मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई तो वाकई।